हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल फिदाई और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब भी आप टेलीविज़न अगर ऑन करते हो तो आपको एक शख्स दिखाई देंगे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आज मैं बात कर रहा हूँ अनूप सोनी जी की, जो क्राइम पेट्रोल में हमेशा दिखाई देते हैं। व्हाट इज़ द बुक ऑल अबाउट क्राइम पेट्रोल, क्या कर रहे हैं? देखिए, किताब का नाम क्राइम पेट्रोल द मोस्ट थ्रिलिंग स्टोरी। अब ये किताब का आइडिया ऐसा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद टेलीविज़न नहीं देखते। क्राइम पेट्रोल एक शो है जो बहुत पॉपुलर रहा, लोगों ने ये भी कहा कि हमें इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, हम अलर्ट हुए, काफ़ी बेसिक नॉलेज भी मिली कि हाउ क्राइम हैपन्स और हम अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं। तो ये आइडिया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद रेगुलर टीवी देखने के आदी नहीं, उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो क्यों ना एक बुक उन्हीं कहानियों को बेस करके लिखी जाए, उन केसेस को लेकर जो कहीं ना कहीं आपके दिल को तकलीफ पहुँचाते हैं कि ये क्यों हुआ या ये केस क्यों हुआ, ये इससे बचा जा सकता था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। सो स्टोरीज़, लेकिन चूँकि किताब तो इतनी बोरिंग भाषणबाजी तो नहीं हो सकती क्योंकि लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। सो लोग इसको एक थ्रिलिंग स्टोरीज की तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही इसको एक यू नो एन्जॉय करेंगे कि जैसे हम कैसे थ्रिलर मूवीज देखते हैं वैसे, बिल्कुल वैसे। तो उसी तरीके से ये किताब लिखी गई है, लेकिन बेसिक मैसेज बहुत क्लियर है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन उनका इलाज, उनका सोल्यूशन जो है वो क्राइम नहीं हो सकता। सो दैट्स द बेसिक मैसेज विच एवरी स्टोरी का। इन द फर्स्ट एडिशन वी हैव 8 स्टोरीज बेसिकली नाउ, तो हमने बहुत सारी स्टोरीज में से पहले 30 पे आए हैं, फिर 30 में से शॉर्ट लिस्ट करके हम 15 पे आए, फिर हमने 15 में से फाइनली 8 सेलेक्ट की। और उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये था कि वो क्राइम जो है अलग अलग जॉनर के हैं, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग हिस्से के लोग हैं, इंडिया के साउथ की भी स्टोरी है, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी हैं जिसमें लालच बहुत हैवी था। हमने उस इमोशन को पकड़ा कि क्या होता है जब गुस्सा होता है, कुछ ऐसी स्टोरी हैं जिसमें आदमी गुस्से में क्राइम कमिट करता है, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें लालच में क्राइम कमिट कर बैठा, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें जेलसी में, जलन में, एक भी बहुत कॉमन इमोशन है जेलसी, तो जलन में क्राइम। तो इस तरीके से इन इमोशंस को पकड़ कर हमने डिफरेंट स्टोरीज, ह्यूमन इमोशन होते हैं, तो ऐसा कुछ क्या मैसेज भी देने की कोशिश की है? डेफिनेटली मैसेज तो है ही है, क्राइम ना हो, एक मैसेज बहुत क्लियर कि ये कहानियाँ उन लोगों के बारे में हैं जो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, जिनका बिजनेस नहीं है क्राइम, ये वो लोग हैं जो हमारी और आपकी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, मजबूरियाँ आईं, लेकिन उन मजबूरियों में, वो मजबूरियाँ हम सबकी ज़िंदगी में आई, लेकिन ये वो लोग हैं जो उन मजबूरियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनको लगा कि क्राइम जो है वो मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो हमारा मैसेज सिर्फ यही है कि देखिए, तकलीफें सबको होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जांपल बता देते हैं कि चाहे वो आप कोई भी क्राइम करें और आप बच जाएँ और आप ज़िंदगी बहुत मुश्किल से हो तो आप अपने लिए तकलीफ ही इकट्ठी कर रहे हैं, आप अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एपिसोड होते हैं काफ़ी, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं लोग, जो वो कहना है कि बहुत सारे ऐसे कुछ क्राइम है वो क्राइम कर रहे थे, उनको भाई ये कहाँ से आइडिया आया, तो व्हाट हैव यू सी ऑन दैट रिगार्ड? सी, देखिए क्या होता है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जब आप किसी को रामायण की कहानी सुनाते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ राम के बारे में तो नहीं बताएंगे, अगर आपको रावण के बारे में बताना ही पड़ेगा, और अगर आप रावण के बारे में बताएंगे तभी तो अभी बताएंगे कि भैया बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसको हम कहते हैं दशहरा, क्या है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो जब तक आप रावण के बारे में नहीं, तो आपको बुरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लेकिन कई बार हम हमेशा कहते हैं, जैसे कई हमसे पूछा जाता है कि अरे आपका एपिसोड देखकर या क्राइम शोज देखकर लोग जो है क्राइम सीखते हैं, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब वो पूरा एपिसोड नहीं देखते हैं, वो आधा देख लेते हैं, पूरा देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आदमी ने कितना शातिर दिमाग इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी पकड़ा गया। पूरा एपिसोड देखेंगे तो क्राइम नहीं करेंगे। डेफिनेटली। और जो ये इस तरह का एक्सक्यूज देता है वो एक सिर्फ एक बहाना है। अगर क्राइम शोज देखकर कोई आदमी क्राइम कर रहा हो, तो हमारे जो इतने सारे एक्टर्स हैं या जो मैं 1600 से ऊपर एपिसोड करता हूँ, 1600 आप अंदाजा लगा सकते हैं आज तक, तो मैं शायद हो सकता है मुझे क्रिमिनल बनना चाहिए क्योंकि समस्याएं तो मेरी जिंदगी में भी होंगी।
I think वो एक excuse है. One thing also I just tell you, I wasn't seeing the last episode. You know what? अभी आपके दिखाने का जो style होता है, वो काफी brutal हो गया. मुझे मतलब that I don't know. आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा वहाँ पर कुछ control किया जा रहा है? Honestly कहूँ तो देखिए, मैं अभी 9 महीने हो गए हैं मुझे Crime Patrol छोड़े हुए. 9 महीने से मैंने shoot नहीं किया. जो मेरे episodes पुराने आते हैं, वो सब repeat telecast हैं. तो अभी क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता. और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आई एम श्योर, क्योंकि काफ़ी लोगों के सामने ऐसे अक्सर बातें करते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट कहाँ पर जो सीन दिखाना होता है कि भाई इफ इट्स अ किलिंग एक्चुअली, तो वो किलिंग को सजेस्टिव हो सकता है. नहीं नहीं, आप मैं अग्री नॉट लाइक दैट, थोड़ा ब्रूटली. सो मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने 9 महीने से कोई एपिसोड देखा ही नहीं है और मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच. मुझे ये है कि हां, जितना सजेस्टिव हो सके. हां, अगर अगर देखिए ऑडियंस, आप आपकी ऑडियंस है जिसको आप दिखाना चाहते हैं, अगर उनको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज्यादा ब्रूटल, बच्चे लोग जरूर उसको उसको कट किया. इंटरेस्टिंग थिंग लोगों को पसंद करते हैं, एक बार बैठ जाते हैं तो उनको लगता है यानी जाती है. नहीं नहीं, कट कर, यस आई एग्री विद यू, उसको कट किया जाता है. लास्ट थिंग Don Grimes kind of part of the movie. How happy you are and what I have to say about him. नहीं नहीं, John मतलब बिल्कुल, मैं मेरे लिए ऐसी देखिए, मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है. To be very honest, अजय साहब ने स्टार्ट देव करने इस पे टाइप बुक किया, पहले वो आने वाले थे लेकिन उनकी भी बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन मेरे दिमाग में John और अजय दोनों, और मेरे लिए दोनों ही मतलब अजीज़ हैं, मैं उन दोनों को जानता हूँ, काम भी किया है. और मेरे ये मतलब इट्स माई लक दैट John वॉज फ्री एंड John वॉज अवेलेबल एंड John अग्रीड. अभी भी John जो है वो शूटिंग से बीच में से आ रहे हैं और यहाँ ये बुक लॉन्च करके वापस अपनी शूट पर जा रहे हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. और यू नो, John एक ऐसे एक्टर भी हैं जिनकी जो अपनी पब्लिक इमेज है और जिस तरह से वो रही हैं, वो बहुत एक पॉजिटिव इमेज है उनकी. और हम एक ऐसा ही मैसेज देना चाहते हैं, वो खुद फिटनेस से जुड़े हुए हैं, फिट रहते हैं, प्लस उनके बारे में आप हमेशा ये देखेंगे कि वो अपने काम से काम रहते हैं. सो मुझे लगता है कि ही वॉज अ वेरी गुड चॉइस टू लॉन्च दिस बुक एंड आई एम हैप्पी दैट कि ही अग्रीड ऑल्सो. ओके, विश यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.